आज मैं अपने बालों में मेहंदी लगाई थी, तो मेहंदी वाले बाल जो होते हैं ना, वो आप अपने घर पे कैसे धुलते हैं और मैं कैसे घर पे धुल रही हूँ वो आपको बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि अगर आप गलत तरीके से बालों को धुलते हैं, मेहंदी लगे हुए बालों को धुलते हैं, तो आपको क्या क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि एक बार मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है मेहंदी वाले बाल धोने से। मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, 1 हफ्ते तक लगभग मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मुझे लगता है ना, बहुत सारे घरों में ना शावर नहीं होता होगा, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ना जिनके घर में शावर नहीं है और वो अपने मेहंदी वाले बाल धोने में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो बस उन्हीं लोगों के लिए ये वाली वीडियो है। तो आज मैं मेहंदी लगाई थी अपने बालों में, तो आज मैं ये वाला तरीका अपनाई हूँ अपने बालों को धुलने के लिए, क्योंकि ये तरीका मैं फ़र्स्ट टाइम अपनाई हूँ और इस तरीके से मुझे कोई भी हानि नहीं हुई है। और बाल धुलने के लगभग मैं 2-3 दिनों के बाद ये वाला वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इससे जुड़ा हुआ। तो हुआ ये दोस्तों कि मैं अपने बालों में ना 20 से 25 दिन पहले बालों में मेहंदी लगाई थी, और वो मेहंदी पत्ते वाली थी जिसको कि मैं ना 5 घंटे रखी थी। और 5 घंटे रखने के बाद वो आप समझ सकते हो कि हर्बल मेहंदी थी, यानी पत्ते वाली थी, पेड़ से टूटी हुई। तो उसको ही मैं ना मिक्सी में पीस करके लगाई थी, 5 घंटे रखी थी। खैर, मौसम भी यही था, मतलब कि बारिश वाला ही था, लेकिन धूप निकले हुए 2-3 दिन हो चुके थे, तो मैं बालों में 5 घंटे मेहंदी रखी कि चलो धूप है। उसके बाद मैं क्या की कि मैं गई अपने बाथरूम में, क्योंकि मेरे घर शावर नहीं है। पहले जहाँ मैं रहती थी ना, वहाँ पे शावर था तो मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती थी, जबकि वहाँ पे मेरा बहुत छोटा घर था। यहाँ अभी मैं रहने आई हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर है, जबकि इसमें मेरा 2-2 बाथरूम है, एक इंडियन है और एक वेस्टर्न भी है, लेकिन दोनों में किसी में भी शावर नहीं लगा हुआ है। मैंने कई बार बोला भी शावर लगाने, बट जो जिनका घर है उन्होंने नहीं लगाया है। तो फिर जैसे तैसे मेरा काम चल रहा है मेहंदी वाला बाल धोने के लिए। तो मैं क्या कि नल चालू कर दी, जो मैं 20-25 दिन पहले मेहंदी लगाई थी, नल चालू कर दी। नल का जो हाइट है ना, वो काफ़ी ऊपर था और मैं नीचे बैठ गई छोटे वाले टेबल पे, जो पीढ़ा होता है ना उस पर मैं बैठ गई और बाल धोने लगी। उससे क्या हुआ कि ऊपर से पूरा प्रेशर से पानी गिर रहा था मेरे सिर पे और चोट भी लग रही थी, साथ ही साथ मेरे बाल भी धुल रहे थे, मेहंदी वाले बाल, और सारे बाल जो है ना वो मतलब जल्दी धुल गए। ऐसा क्या होता है ना कि नॉर्मली जो हमारे समाज में जो भी लड़कियां या लेडीज़ लोग बाल धोती है, या तो बाल्टी में पानी रख लेती है उसके बाद बाल धोती है, या तो पूरे बालों को ना बाल्टी में ही डाल देती हैं, मतलब अपना सिर नीचे करके और इस तरह से बालों को धोती है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब टाइम भी ज़्यादा लगता है और मतलब पानी भी ज़्यादा खर्च होता है, और जल्दी मेहंदी बालों से नहीं निकलती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा खुद हुआ है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जिन लोगों का शावर नहीं है उन लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता ही होगा, तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने ऐसा ही किया, नल चालू करके बैठ गई, बाल धुले। मुझे उस दिन रात को काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगे। पहले तो मुझे सिर दर्द दिया शाम शाम से ही, उसके बाद रात को मुझे चक्कर आने लगे। जब भी मैं करवट फेरती तब मुझे चक्कर आते, और सोने वक्त भी जब मेरी आंखें बंद होती फिर भी मुझे लगता ना कि चारों तरफ मेरा गोल गोल ऐसे घूम रहा है। मेरा जो नज़र है ना, एक जगह स्थिर नहीं है, आँख खोलने पे भी आँख बंद पे भी मुझे चक्कर आ रहे थे। ऐसा मेरे साथ 2 रात को हुआ, दिन में नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि दिन में भी थोड़ा थोड़ा होने लगा, और जैसे ही 3-4 दिन बीत गए तो फिर मुझे दिन में भी हो रहा था, रात में भी हो रहा था। और फिर मैं सोची कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा। मैं डॉक्टर को दिखाने ही वाली थी, लेकिन हस्बैंड बोले कि तुम कुछ खाओ पियो ताकत वाला, शायद तुम्हें कमजोरी हो इसलिए भी आ रहा हो। फिर मैं सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, मैं यही सोचने लगी। फिर मुझे याद आया कि जिस दिन मैं मेहंदी लगाई थी उसी के रात से मुझे हो रहा है, यानी कि शायद मुझे ठंड भी लग सकती है, या फिर बालों में मेहंदी लगाई हूँ इसलिए भी मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरी एक फ्रेंड है जो कि डॉक्टर है, तो मैंने उससे भी बात की, तो उसने बताया कि तुम्हें ठंड लगा हो क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, शायद तुम बाल धुली होगी, शैम्पू की होगी, या ज़्यादा देर नहाई होगी। तो मैंने ध्यान दिया कि मैं तो मेहंदी लगाई थी, 5 घंटे रखी थी और नल चालू करके बैठी थी, तो मैं डॉक्टर को दिखाने वाली थी। तो मेरी एक फ्रेंड है जो कि काफ़ी बड़ी हैं, वो दीदी हैं, उनके तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, सब 10th 12th में पढ़ते हैं। तो मैं उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम नल चालू करके उसके नीचे बैठ गई थी क्या, क्योंकि ऐसे करने से ही सिर में चोट लगती है और चक्कर भी आते हैं। तो मैं बोली कि हाँ मैं ऐसे की थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसी गलती कभी मत करना, इसी से चक्कर आते हैं।
तो फिर मैं सोची कि यानी कि मुझे ठंड लगी है, तो मैंने ना जल्दी से तेल गर्म किया, सरसों का तेल, और फिर मैं अपने पूरे बालों में सरसों का तेल लगाई और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। और इससे क्या हुआ ना कि मुझे काफ़ी हद तक राहत मिल गया और फिर मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। तो अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो ऐसा कभी मत करिए। आपको अगर बालों को धोना है, शावर नहीं है, तो आप मग से धो ले, बाल्टी में डिप करके बालों को धो ले, या फिर जैसे मैं पाइप से धोई वैसे धो ले, लेकिन नल चालू करके उसके नीचे बैठ के प्रेशर में अपने बालों में, सिर में चोट लगाकर अपने बालों से मेहंदी को मत धोइए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। अगर आपको मेरी ये वाली जानकारी अच्छी लगी हो ना, तो दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। शायद कभी ना कभी वो गलती किए हों या फिर आगे कर सकते हैं, तो ये जानकारी आप उन्हें दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ था, कम से कम 5 से 6 दिन, तो ये दिक्कतें और किसी के साथ ना हो। तो यहाँ देखिए, मैं जब बालों की जो मेहंदी होती है उसको धुल लेती हूँ, तो अपने बालों को जो जुड़ा होता है ना, ऐसे मैं कर लेती हूँ, उसके बाद नहा हुआ के जब निकलती हूँ, तो फिर मैं ऐसे तौलिए से थोड़ा थोड़ा उसको सुखाती हूँ, मतलब जो पानी होता है ना, एक्स्ट्रा पानी, उसको तौलिए से निचोड़ लेती हूँ इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि मेहंदी आपको दिख रहे होंगे। तो मेहंदी क्या है, हमारे बालों में ना ठंडक प्रदान करता है, और काफ़ी घंटे रखने के बाद ये हमारा स्कैल्प पूरा ठंडा कर देता है, सिर को ठंडा कर देता है, और हमारे खून जो है वो थोड़ा सा जम से जाते हैं। आपको ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम, खून जमने से भी हमें काफ़ी ज़्यादा चक्कर आते हैं, तो मेहंदी को ज़्यादा देर इसलिए भी नहीं रखा जाता है। तो जब मेहंदी बाल में लगाते हैं, तो केवल पानी से ही फर्स्ट डे मैं वॉश करती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा लटे भी होती है, तो थोड़ा सा मैं तौलिए से ऐसे पीट पीट कर मैं थोड़ा सा उसको सुलझा लेती हूँ। वैसे हर इंडियन लेडीज़ ना, बहुत सारे इंडियन लेडीज़ हैं जो इस तरह से करते हैं, वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, बट आपकी मर्ज़ी, आप करें या ना करें, मैं ऐसे ही करती हूँ। मुश्किल से मैं 1 से 1.5 मिनट में अपने टाइम देती हूँ बालों को, बस इस तरह से करने के लिए। तौलिए थोड़ा थोड़ा पानी निचोड़ती हूँ, उसको थोड़ा सा ऐसे मारती हूँ तो थोड़ा सा सीधा हो जाता है। उसके बाद सारे बालों को मैं पीछे कर लेती हूँ। अब पीछे करने के बाद जो भी उलझन होती है, थोड़ी बहुत हाथों से सुलझा लेती हूँ, और उसके बाद मैं क्लचर लगा लेती हूँ। क्लचर लगाने के बाद मैं उसको छोड़ देती हूँ, मतलब कि वैसे तो आपको पता है कि जो महिलाएं घर की होती है ना, उन लोग कभी बैठती नहीं हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो बाल पकड़ के पूरे वो 2-3 घंटे बैठ नहीं सकती। हेयर ड्रायर अगर आप यूज़ करते हैं, तो उससे आपके बाल 2 मुहे हो सकते हैं, या फिर ड्राई भी हो जाते हैं बाल, तो वो मैं कभी नहीं करती हूँ। हेयर ड्रायर का यूज़ मैं कभी नहीं करती हूँ, मेरे पास था भी पहले, तब भी नहीं करती थी, अभी तो खैर है नहीं। तो जिन लोगों के पास नहीं है, मैं उन लोग के लिए ही आइडिया दे रही हूँ कि बस बालों में ऐसे क्लचर लगा लीजिए आप कुछ भी, और इस तरह से बालों को छोड़ दीजिए, आप अपने काम वगैरह करते रहिए। 2 से 3 घंटे में आपके बाल जो है ना, ऑटोमेटिक सूख जाएंगे हवा से, या ऐसे ही काम करते करते सूखने के बाद आपके बाल जो है ना, ऐसे फूले फूले हो जाते हैं। तो देखिए, आपने बालों में मेहंदी लगाई थी, आपको काफ़ी ज़्यादा जो सिर है ना, वो ठंडा हो गया है, तो इसके लिए आपको कुछ अच्छा सा तेल लेना होगा। तो मैं यहाँ सरसों तेल ले रही हूँ, जिससे क्या होता है ना, हमारा जो सिर है वो सिर को गर्माहट मिलता है, और इस तरह से मैं तेल डालती हूँ अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा अगर सिर दर्द की प्रॉब्लम है तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। मेहंदी लगाने से अगर आपके बालों में ठंड चली गई है, या फिर खून जमने जैसा हो गया है जिसकी वजह से चक्कर आते हैं, तो आप ये वाला उपाय ज़रूर करें। आप इसकी जगह पे गर्म तेल करके भी लगा सकते हैं। हाँ, बहुत से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, वो लोग बोलते हैं, पहले ज़माने के जितने भी हैं, कि तेल को गर्म करके नहीं लगाना चाहिए, इससे बाल पक जाते हैं बहुत जल्दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लगभग 5 सालों से लगा रही हूँ पका हुआ तेल, और पहले मुझे लगा है या नहीं लगा है मुझे याद नहीं, लेकिन अब लगाती हूँ। जब भी मुझे ठंड का मौसम होता है ना, तो मैं हल्का सा तेल को ना हल्का सा गर्म कर लेती हूँ, बहुत हल्का, उसके बाद अपने बालों में लगाती हूँ। इससे मुझे गर्माहट मिलता है, खासकर जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो अगर आप मेहंदी लगाए हैं, आपकी जो भी ऑयल है, अगर आप वो ऑयल गर्म नहीं करना चाहते हैं, तो आप घर का सरसों तेल ले सकते हैं। ये बिल्कुल ही शुद्ध सरसों तेल है, मैं यही लगाती हूँ, पैकेट वाला नहीं है। और इस तेल को जो है ना, मैं पूरे जड़ों में लगाती हूँ। बारिश का मौसम है, ऊपर से अगर ठंडी भी है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में आप तेल नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, लेकिन तेल लगाने से मेहंदी जो है ना, मेहंदी को मतलब ऊपर एक कोट बन जाता है, आपका लॉन्ग लास्टिंग मेहंदी चलता है, इसलिए भी तेल लगाना चाहिए। तो मैं बालों की जड़ों में अच्छे से तेल लगाती हूँ,
उसके बाद जो नीचे नीचे बाल है ना, बाकी सारे बालों में भी मैं थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं तेल बालों की जड़ों में लगाती हूँ, सामने के भाग में लगाती हूँ, जहाँ हमारा सिर का जो बीचों बीच भाग होता है ना मांग के ऊपर, वहाँ मैं ज़्यादातर तेल लगाती हूँ। और तेल से मैं मसाज भी करती हूँ, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और मेहंदी लगाने से अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि आपको ना रात को सिर दर्द की प्रॉब्लम ज़रूर होती होगी, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बालों में तेल लगाती हूँ, मसाज करती हूँ। मसाज करने के बाद मैं बालों को कंघी करती हूँ। बालों में जो तेल है ना, वो केवल आगे ही नहीं लगाना चाहिए, पीछे भी लगाना चाहिए। तो मैं बालों को पीछे भी अच्छे से मांग कर लेती हूँ, और वहाँ भी मैं अच्छे से पूरा तेल लेकर लगाती हूँ वहाँ मांग पे, क्योंकि हम लोग जब मेहंदी लगाते हैं तो मैं हाथों से ही लगाती हूँ, तो मैं पार्टीशन कर लेती हूँ, मतलब दो भागों में बांट लेती हूँ बालों को। तो उसके बाद मैं मेहंदी लगाती हूँ, या फिर तेल भी लगाना है तो दो भागों में करके मैं लगाती हूँ। इससे अच्छे से बालों में तेल लगता है, जड़ों में भी तेल जाता है। तेल लगाने से हमारे जो बाल हैं वो भी मजबूत होते हैं, जड़ें मजबूत होती हैं हमारी, और बाल चमकदार भी बनते हैं। वैसे तो टीवी में दिखाया जाता है कि बालों में तेल लगाइए, आपके बाल सिल्की हैं, चमकदार दिख रहे हैं, तो उड़ रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, खिला खिला चेहरा दिख रहा है। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है दोस्तों। हमारे बाल में जैसे ही तेल जाता है, हमारा जो बाल है वो फुला फुला दिख रहा है ना, वो पतला सा हो जाता है, कम दिखने लगता है, ऊपर से हमारा जो चेहरा है वो बीमारों जैसा दिखने लगता है, और हम अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो अगर जिन लोगों को पसंद नहीं है तेल लगाना, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आप रात को तेल लगाइए, शाम में आप लगा सकते हैं, रात को लगा सकते हैं, हल्का सा तेल गर्म कर लीजिए और बालों में लगाइए, और लगा करके और अगले दिन जब आप नहाते हैं सुबह सुबह, या 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी नहाते हैं, फिर आप नहा लीजिए। इससे आपके बालों में तेल भी लग जाएगी, और अगले दिन आप बाल भी धुल लोगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर के बाहरी के लोगों को मैं बात कर रही हूँ, उन लोगों को किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने तेल लगाया है या आपका चेहरा ख़राब लग रहा है। तो जब भी बालों में तेल लगाए, तेल लगाने के बाद आप कंघी भी ज़रूर करें। जो भी बाल आपके निकलते हैं वो बहुत कम निकलेंगे, बहुत कम। तो बालों में अगर तेल रहता है ना, तो उसमें बालों में उलझने कम पड़ती है, और आप कंघी आसानी से कर पाते हो। तो इस तरह से मैं कंघी कर ली हूँ बालों में, और उसके बाद कंघी करने के बाद मैं पूरे बालों को लेकर के एक जूड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि घर के काम वगैरह करने होते हैं तो बाल खुले भी अच्छे नहीं लगते, वो भी ऑयल किए हुए बाल तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यहाँ जूड़ा बना लेती हूँ, आप चाहे तो चोटी भी बना सकते हैं। चोटी बनाने से होगा कि आपको सिर दर्द बिल्कुल ही नहीं देगा, जूड़ा बनाने से थोड़ा बहुत सिर में पेन होता है, लेकिन जूड़ा ही मैं बना के रखती हूँ। इससे मुझे मतलब इधर उधर ज़्यादा बालों पे ध्यान नहीं देना पड़ता है, और मैं घर के काम भी करते रहती हूँ। तो हर लेडीज़ जूड़ा ही बनाती है, जो भी घर में काम वगैरह करती हैं, सबसे ज़्यादा पूरा घर का ख्याल रखने वाली तो जूड़ा ही बना के रखती हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो मैं भी यहाँ जूड़ा बना ले रही हूँ, यहाँ देखिए। और उसके बाद मेरा क्या होता है कि मैं तेल लगा लेती हूँ, तो अगले दिन मैं बालों में शैम्पू कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो है ना हेयर केयर रूटीन कंप्लीट होता है, मेहंदी लगे हुए बाल को धोना, फिर उसके बाद तौलिए से सुखाना और तेल लगाना।